नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत ही क्रूरतापूर्ण और अमानवीय व्यवहार है। अगर यही सब घटना किसी अन्य देश में या किसी अन्य मजहब के लोगों के ऊपर हो रही होती तो खुद को ह्यूमन राइट का मसीहा बताने वाले आज के समय में सर पीट रहे होते और घड़ियाली आंसू बहा रहे होते। लेकिन पाकिस्तान की इस घटना पर सबने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि प्रताड़ित होने वाला हिंदू है जो कि इनके नैरेटिव में किसी भी प्रकार से सेट नहीं बैठता है। देखिए पाकिस्तान में एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि एक हिंदू मंदिर जो कि लगभग 150 साल पुराना था, उसे सिर्फ ये कहकर डिमोलिश कर दिया गया कि इसके हालात काफ़ी जर्जर हैं। इतना ही नहीं, इसके कुछ ही घंटे बाद एक और मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया जाता है। दोस्तों सरेआम पाकिस्तान में एक नहीं बल्कि दो दो मंदिरों को तोड़ दिया जाता है और माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करने वाली UN जैसी संस्थाएँ, अमेरिका या UK की पार्लियामेंट इस पर एक बयान तक जारी नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी घटनाएं पाकिस्तान में हो रही हैं और प्रताड़ित होने वाला एक हिंदू है। अगर ऐसी कोई घटना भारत में हो रही होती तो अमेरिका, UK जैसी कंट्रीज तुरंत इस पर सर पीटने लगते और माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करने लगते। कहते कि भारत में माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत के ऊपर सेंक्शन लगाए जाने चाहिए। लेकिन ये सब हो रहा है पाकिस्तान में, इसीलिए आँख कान सब बंद किए बैठे हैं। दोस्तों पाकिस्तान में हिंदू टेम्पल ही नहीं बल्कि हिंदू खुद भी सुरक्षित नहीं है। आप लोग जानते ही होंगे कि जहां आज़ादी के समय हिंदुओं की पॉपुलेशन पाकिस्तान में 24% थी, आज के समय में वो घटकर 1% से भी कम रह गई है। और अगर इनके ऑफिशियल से पूछो तो बताएंगे कि पाकिस्तान में 40 लाख हिंदू रहते हैं, लेकिन अगर कोई डाटा की बात करो तो वो चुप हो जाते हैं। इनके पास इसका कोई डाटा नहीं है, कोई सबूत नहीं है। सबूत होगा भी कैसे, क्योंकि वहां पर इतने हिंदू बचे ही नहीं हैं। उन्हें या तो मार डाला गया या तो कन्वर्ट करवा दिया गया। दोस्तों पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी ही नहीं, कोई भी माइनॉरिटी, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो या कोई अन्य माइनॉरिटी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सब अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं। यहाँ पर इनका फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी एक्सेप्ट मुस्लिम रह ही नहीं सकते। पाकिस्तान में जितने भी हिंदू बचे हैं उनमें से लगभग 90 से 95% वहाँ के सिंध प्रोविंस में हैं। बाकी के प्रोविंसेस ने वहाँ पर उनको एक प्रकार से वाइप आउट कर दिया है। और दोस्तों लोगों को प्रताड़ित करने के साथ साथ पाकिस्तान अब उनके रिलीजियस फीलिंग को भी हर्ट कर रहा है। इसको आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है वहाँ के कराची शहर का जो 150 साल पुराना मारी माता का मंदिर था उसे तोड़ दिया गया। और मंदिर के लोग बताते हैं कि इसे तोड़ने की साजिश काफ़ी लंबे समय से चल रही है, क्योंकि एक बिल्डर मंदिर का फेक डॉक्यूमेंट बनवाकर यहाँ के लैंड पर कब्जा करना चाहता था और मंदिर तोड़कर यहाँ पर एक कमर्शियल बिल्डिंग बनवाना चाहता था। लेकिन जब हिंदू कम्युनिटी पीछे नहीं हटी तो एक दिन अचानक से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बुलडोजर आता है और मंदिर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और पूछे जाने पर यह कहता है कि मंदिर के हालात काफ़ी जर्जर थे, उसको इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वो कभी भी गिर सकता था, तो लोगों की सुरक्षा के लिए इसे तोड़ देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। खैर दोस्तों जब मंदिर टूट ही गई है तो इस पर कभी न कभी कमर्शियल बिल्डिंग बन ही जाएगी। और इसके कुछ ही घंटे बाद 6 से 7 बंदूकधारी आते हैं और रॉकेट लॉन्चर से हिंदू परिवारों पर हमला कर देते हैं और एक और मंदिर पर रॉकेट दाग देते हैं, जिससे उसके कुछ पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पूरा मंदिर नहीं टूटा है, लेकिन मंदिर कब तक बचा रहेगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों आप लोगों ने सीमा हैदर का तो नाम सुना ही होगा, जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान से भारत आई हैं। तो जो पाकिस्तान के कुछ रेडिकल ग्रुप्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं से इसका बदला लिया जाएगा। तो शायद इसीलिए पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटी है उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। और दोस्तों आप इसे इस बात से कनेक्ट कर सकते हैं कि अभी मुंबई पुलिस को एक धमकी मिली है कि सीमा हैदर की वजह से 26/11 जैसा हमला होगा, इसलिए हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, वहाँ पर लगभग 30 से ज़्यादा हिंदुओं को बंदी बनाकर रखा गया है। दोस्तों सबसे बुरी बात यह है कि इस विषय पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। भारत ने कई बार आवाज़ उठाई है कि पाकिस्तान में ना तो माइनॉरिटी फ्रीली रह सकती है और ना ही अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों फिर भी भारत जैसे देश को कुछ ना कुछ तो हिंदुओं के लिए करना ही चाहिए, क्योंकि अगर भारत में बांग्लादेश से 40,000 रोहिंग्या मुसलमान आकर के शरण ले सकते हैं तो पाकिस्तान में सताए जा रहे हिंदू भारत क्यों नहीं आ सकते। दोस्तों अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।